हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न समथिंग में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इन्वर्स निकालने का दूसरा तरीका, जिसका नाम है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इस मेथड से हम इन्वर्स को निकालेंगे। और पहला वाला हमने जो किया हुआ था वो था एडजॉइंट मेथड। नाउ ये हमारा दूसरा वाला मेथड है, तो चलिए आइए देखते हैं। नाउ हम अपना पहला एग्जांपल 2:2 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद से 3:3 लेंगे। पहला क्या है हमारा, फाइंड ए इन्वर्स फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमें पहला यहाँ पे मैट्रिक्स दे दिया, एक फर्स्ट हमें दिया है ए और सेकंड हमें दिया है बी। ये हमारा अलग सम है, ये हमारा अलग सम। तो हम पहले फर्स्ट वाले को लेंगे। सिंपली हम लोग ने जैसे पहले वाले में किया था एडजॉइंट वाले में, कि पहले हमें चेक करना है कि वो जीरो के नॉट इक्वल है कि नहीं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इसको मॉड में लेना पड़ेगा, ए मॉड, फिर इसके बाद से 1, 2, 2, -1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम ऐसे लिखना है एज इट इज। फिर इसको सॉल्व करना है, पहले इसको इससे इंटू करेंगे तो आएगा -1, फिर इसको इससे इंटू करेंगे तो आएगा 4, और बीच में माइनस तो आएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ इन दोनों नंबर के बीच में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा। लेकिन बड़े नंबर के पास क्या है, माइनस का साइन, तो इसलिए हमारा -5 आ गया, जैसे कि ये आया है हमारा। फिर उसके बाद से ये -5 जीरो के इक्वल है क्या, तो नहीं है। तो हमारा मॉड ऑफ ए क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ए ऑफ इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। अगर इक्वल आ गया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर हमें एक फॉर्मूला लगाना है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। जो भी वेरिएबल दिया था, सपोज मैं यहाँ ए दिया हुआ है, तो ए इंटू उसका इनवर्स इज इक्वल टू आई, क्योंकि हमें इनवर्स फाइंड करना है। इन दोनों का इंटू करते हैं तो आई होता है। ये सिंपली बेसिकली क्या होता है ना, ए डिवाइड बाय ए, बट ए को जब ऊपर लेके जाते हैं ना तो क्या बन जाता है, ए इंटू ए इनवर्स, जिसमें नीचे का नंबर, नीचे का अल्फाबेट तो सेम है यहाँ पे, लेकिन ऊपर पावर नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि ये नीचे से ऊपर आया है। वही वापस अगर नीचे ले जाएंगे तो वापस ऐसा बन जाएगा। और इन दोनों का इंटू करके क्या होता है, 1 होता है। जैसे कि आप 2 1 2 करते हैं, सेम ये भी वही है। अगर 2 को आप ऊपर ले जाएंगे, 2 × 2⁻⁻⁺ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ये चेंज हो जाए 2 1 2। तो इस ऐसे ये दोनों के सामने सामने कैंसिल होकर इज इक्वल्स टू 1 देते हैं। और 1 क्या होता है, हमारा आइडेंटिटी, जिसको हम आई बोलते हैं। आई का वैल्यू हमेशा 1 होता है, और उसका मैट्रिक्स अगर 2:2 है तो 1 0 0 1 होता है। अगर 3:3 है तो डायगनल पे एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, मतलब 1 1 लिख लेना है। फिर इसका से 0 0 0 0 0 3:3 का मैट्रिक्स बन गया, वो भी आई में। इसका भी वैल्यू हमारा 1 होगा। आई का कितने भी 2 में मैट्रिक्स आप देख लेंगे तो भी वैसे का आएगा। चलिए आइए हम अपना सम देखते हैं। पहले तो हम लोग, मैंने आपको ये पहले बता दिया, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पे सिंपली लिख लेना है, वी नो दैट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है। ऐसे यहाँ पे डॉट डॉट करके लिख लेना है। फिर इसके बाद से जो हमने लिखा है मैट्रिक्स का है, तो उसको ऐसे ले लेना है, और इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया, 2:2 कर दे तो 2:2 का आई का मैट्रिक्स लेंगे। इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैट्रिक्स। फिर इसमें तो 2:2 का तो 1 0 0 1। फिर हमें क्या करना है ना, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। मतलब तो पहले तो हमें यहाँ चेक करना है, यहाँ पहला वाला नंबर 1 है कि नहीं। अगर है तो इसे छोड़ देना है, अगर नहीं है तो इसे 1 बनाना है। यहाँ फिलहाल तो मेरा है, तो मैं फिलहाल इसको छोड़ के डायरेक्टली R2 से स्टार्ट करूँगा। R2 क्या होगा, R2 चेंजेस। R2 कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज कर रहे हैं किसको, R2 को चेंज कर, -2 × I1। अब इन दोनों को सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए क्या किया, 2 × I1। अब आप बोलेंगे सेम क्यों बनाना है सर, तो सेम इसलिए बनाना है ताकि ये नंबर कैंसिल होके डायरेक्टली जीरो हो जाए। और जो R2 चेंजेस मैंने लिखा है ना, ये रो 1, मतलब ये जो भी वैल्यू यहाँ पे चेंज होगा वो इस लाइन में, मतलब R2 का जो वैल्यू था उसको हटा के जो नया वैल्यू आया उसको लिख लेना है। जैसे कि हमारे पहले से है क्या, इसने बोला R2 चेंजेस, तो R2 का वैल्यू 2 − 1 0 ऐसे लिख लेना है। किसने चेंज होगा, -2 × I1। तो 2 × यहाँ पे 2 1 2 2 2 4, फिर इसका से 2 1 2, और फिर इसका से 0 2 0 0। माइनस बोला है तो हजार माइनस लगा देंगे, ये कैंसिल हो गया। -4 − 1 तो -5 हो जाएगा, 0 और -2 तो यहाँ -2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो देखिए मैंने लिख लिया 0 − 5 − 2 − 1। इसे कुछ नहीं करना है R1 को, इसको 2 1 बोलते हैं और इसको 2 2 बोलते हैं, इसलिए मैंने इसको R1 R2 बोला है।
फिर उसके बाद से इसको एज इट इज ऊपर का तो लिख लेना, नीचे का जो चेंज होकर वैल्यू है वो। फिर वापस करना है आर टू, चेंज करना है आर टू, चेंज करना है। यहाँ पे डायगोनल पे क्या चाहिए हमें, वन चाहिए, क्योंकि हमें ए को हमें यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और जो उसके दूसरे साइड वैल्यू चेंज होकर आएगा वो ए इनवर्स आएगा, और इनटू करके ए इनवर्स क्या आएगा, डायरेक्टली ए इनवर्स आएगा, क्योंकि आई का वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले, वन होता है। तो ये डायरेक्टली अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो वन हो जाएगा। फिलहाल अभी हो गया वहाँ पे, अब इसको माइनस फाइव, किसी भी चीज़ को अगर वन बनाना हो तो उसको क्या कहते हैं, इसके लिए हम लोग सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। जहाँ माइनस फाइव है तो मैं माइनस फाइव से डिवाइड करूँगा इसमें आर टू में, तो जीरो डिवाइड बाई एनीथिंग जीरो हो जाएगा, माइनस फाइव डिवाइड बाई माइनस फाइव तो वन हो जाएगा। यहाँ पे माइनस टू, तो माइनस टू डिवाइड बाई माइनस फाइव, तो यहाँ पे माइनस टू डिवाइड बाई माइनस फाइव, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, पर क्या आएगा टू बाई फाइव, तो टू बाई फाइव, यहाँ वन है तो वन डिवाइड बाई माइनस फाइव आ जाएगा। यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे ऊपर नीचे साइन माइनस का नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नीचे है तो उसको ऊपर ही लिख लेंगे। फिर इसके बाद से फिर से अब ये टर्म तो हो गया, अब हमें इसे जीरो बनाना है। इसे जीरो बनाने के लिए हमें नीचे वाले की हेल्प लेना पड़ेगा, यहाँ से जीरो बनाना है तो ऊपर वाले की हेल्प, और यहाँ से जीरो बनाना है तो नीचे वाले की हेल्प। तो हम क्या करेंगे, आई वन चेंजेस आई वन माइनस टू टाइम्स ऑफ, यहाँ पे आएगा आर टू, टू टाइम्स ऑफ आर टू। तो बेसिकली हम लोग इसको लिख लेंगे, पहला क्या आई वन की वैल्यू वन टू वन जीरो, अब इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर दे क्या टू टाइम्स ऑफ आर टू, तो जीरो टू, यहाँ पे टू होगा तो फोर बाय फाइव, यहाँ का माइनस फोर बाय फाइव। देखिए वन में से जीरो गया तो वन नहीं आएगा, यहाँ माइनस लगा लेना है पहले, यहाँ माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, ये जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली वन माइनस फोर बाय फाइव। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइव इंजा फाइव हो जाएगा, फाइव माइनस फोर बाय फाइव, डिनोमीटर तो इसी सेम हो जाएगा तो वन बाय फाइव आ जाएगा। बड़े नंबर की साइन देखना है तो बड़े नंबर यहाँ पे हमारा बेसिकली वन है, क्योंकि इसको वन देखेंगे फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये फाइव से छोटा है तो जीरो पॉइंट में जाएगा, ये जीरो पॉइंट एट आ जाएगा। फिर इसके बाद से यहाँ पे देख लेते डायरेक्टली यहाँ पे क्या आएगा वन बाय फाइव आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो फोर बाय फाइव, इसलिए हमारे देखिए यहाँ पे आ गया वन बाय फाइव और फोर, यहाँ पे आ गया फोर बाय फाइव। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद से एक मिनट हो गया, फोर बाय फाइव आएगा क्योंकि हमने टू से वहाँ इंटू किया हुआ है। फिर उसके बाद से हम देखेंगे क्या, अब ये तो हमारा आइडेंटिटी बन गया, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मैंने वैल्यू क्या बताया था वन पर, पहले इसको आई करेंगे इनवर्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे करेंगे वन बाय फाइव टू बाय फाइव, ये हमारा क्या निकल गया ए आई इंटू ए इनवर्स का वैल्यू, फिर आई का वैल्यू वन हो जाएगा तो ए इनवर्स इक्वल्स टू जो वैल्यू है हमारा आ जाएगा, ए इनवर्स हमारा फाइंड हो गया। इसी के साथ दोस्तों हमारा टू 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 का मैट्रिक्स खत्म होता है, ये वाला सम आप ट्राई कीजिए, इसमें क्या होगा बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल्स टू आई, ये वाला सम का सोल्यूशन है, आप एक बार देख लीजिएगा और वीडियो एक बार पॉज करके अपना आंसर चेक कर लीजिएगा सॉल्व करने के बाद। फिलहाल तो हमारा ये हो गया, अब हम जाते हैं अपने थ्री टू थ्री मैट्रिक्स की तरफ। थ्री टू थ्री मैट्रिक्स में सेम यहाँ हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया जाए टू जीरो माइनस वन फाइव वन जीरो जीरो वन सी दिया हुआ, इसको हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे सॉल्व क्या हुआ डिटर्मिनेंट, आप एक बार ट्राई कर लीजिए सॉल्व कर लीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद आपका आएगा वन, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कुछ नहीं किया सेम उसको हटा दिया, क्योंकि जीरो इंटू एनीथिंग जीरो ही आएगा। आप सोचेंगे ना कि यहाँ पे दो ही मॉड आया तो तीसरा कहाँ है, तीसरा वाला आया पर दूसरा वाला हमारा डिलीट हो गया है सिटी से। फिर इसके से सॉल्व करने के बाद से डायरेक्टली यहाँ पे वन आ गया, तो वन क्या है जीरो से बड़ा है और जीरो के इक्वल नहीं है, तो ए मॉड क्या है नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए इनवर्स इज क्या है एग्जिस्ट है। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर जो वेरिएबल दिया जाएगा उसके साथ उसका इनवर्स इज इक्वल्स टू आई के बराबर होता है, तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई सेम लिख लेंगे। अब मैंने आपको ये भी कहा था ये वाला नंबर हमेशा हमारा वन होना चाहिए हमेशा, तो वन तो नहीं है, तो इसको वन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा देख लीजिए। पहले तो आर टू, आर टू लिए आर टू माइनस टू आई वन, तो आर टू माइनस टू आई वन, तो आर टू क्या है हमारा फाइव वन जीरो जीरो वन जीरो, आई वन क्या है हमारा इंटू करना है फोर जीरो माइनस टू टू जीरो जीरो। सॉल्व करेंगे
माइनस करने होगा माइनस माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा वन, यहाँ हो जाएगा वन, यहाँ हो जाएगा टू, यहाँ हो जाएगा माइनस टू, वन जीरो, ये नंबर उठा कर लिखेंगे वन वन प्लस टू माइनस टू वन जीरो। अब हम इसे क्या करेंगे, इंटरचेंजिंग करेंगे, मतलब फर्स्ट रो को सेकेंड रो में बदल देंगे। तो इसलिए हम इसके वजह से हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो में हमारा वन आ गया यहाँ पे। अब इससे हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ गया और सेम एज इट इज यहाँ का भी उठा के ऊपर कर देना है दोस्तों। फिर इसके बाद से आर टू चेंज करेंगे, फिर से आर टू यहाँ पे जीरो लाना है, तो यहाँ पे कहेंगे आर टू माइनस टू टाइम्स ऑफ आर वन, आर टू पहले लिख लेंगे टू जीरो माइनस वन वन जीरो जीरो, और आर वन क्या है टू टाइम्स ऑफ आर वन, तो टू टू फोर माइनस यहाँ पे सॉरी यहाँ प्लस माइनस फोर आएगा, फिर टू फिर जीरो, फिर इसके से माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस टू आ गया, यहाँ माइनस फाइव आ गया, फिर इसके से यहाँ पे फोर प्लस फाइव सॉरी फोर प्लस वन, तो ये फाइव आ गया, इसके से माइनस टू और ये जीरो, तो हम बेसिकली लिख लेंगे जीरो माइनस टू माइनस फाइव, फाइव माइनस टू और जीरो, जैसे यहाँ पे वैल्यू आया। खाली आर टू में चेंज करना है, बाकी सब सेम एज इट इज लिखना है, यहाँ पे का जीरो है तो इसको कुछ नहीं करना है। अब ये आया तो इसको हमें बीच वाले नंबर से चेंज करना है, तो आर थ्री चेंजेस यहाँ पे करेंगे आई वन आर टू से, तो आइए देखते हैं आर थ्री चेंजेस के क्या करके चेंजेस के टू टाइम्स ऑफ आर थ्री। अब आप बोलेंगे यहाँ प्लस थ्री क्या है, प्लस इसलिए क्या है क्योंकि यहाँ पे पहले से माइनस था, यहाँ पे प्लस था, प्लस माइनस और डिफरेंट नंबर कट जाता है, पर यहाँ पे सॉरी डिफरेंट नहीं सेम नंबर कट जाता है, यहाँ पे सेम नंबर हम टू से इंटू करके कर देंगे, यहाँ पे प्लस टू माइनस टू, ऐसे हम लोग ने इंटू कर माइनस कर लिया इंटू करके, यहाँ पे तो प्लस करना है तो हमें इसे फाइनली सॉल्व करना है। प्लस करने में साइन कोई चेंज नहीं होगा, इंटू करने पर देखो माइनस टू यहाँ पे फाइव पहले था, सॉरी इंटू ऊपर हुआ है क्योंकि यहाँ पे पहली लाइन का इंटू करना है जो है आई थ्री, तो टू यहाँ पे थ्री तरफ सिक्स जीरो जीरो, यहाँ वन तरफ टू हो गया, प्लस करना है जीरो यहाँ पे आएगा डायरेक्टली जीरो, सिक्स माइनस फाइव यहाँ पे आएगा डायरेक्टली वन क्योंकि यहाँ माइनस फाइव पहले से है, यहाँ पे फाइव माइनस टू यहाँ पे आएगा टू, तो क्या आएगा यहाँ पे जीरो जीरो वन फाइव माइनस टू यहाँ पे टू, तो जीरो जीरो वन फाइव माइनस टू और टू। अब हमारा आई थ्री चेंज हो गया, आई थ्री में हमें कुछ नहीं करना है, हमें आर टू और आई वन चेंज करना है, तो आर टू चेंज कर दे किस में, आर टू प्लस फाइव टाइम्स ऑफ आई थ्री क्योंकि हमें ये हटाना है, और किससे हटेगा ये नीचे वाले से हटेगा, तो कैसे हटेगा देखिए, फाइव टाइम्स आर टू लिख लेना है, जीरो माइनस टू माइनस फाइव, फाइव माइनस टू और जीरो, फिर उसके ऐसे कितने फाइव टाइम्स ऑफ आई थ्री, तो क्या आएगा जीरो जीरो प्लस फाइव, फिर इसके बाद से आएगा डायरेक्टली यहाँ पे फाइव से इंटू करें ट्वेंटी फाइव, और यहाँ पे टू से इंटू करें तो माइनस टेन, यहाँ पे भी टेन आएगा, यहाँ पे क्या करना है प्लस करना है, तो ये कट जाएगा डायरेक्टली, यहाँ पे आएगा डायरेक्टली माइनस टू, यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे क्या आएगा थर्टी, यहाँ पे आएगा माइनस ट्वेल्व, और यहाँ पे आएगा टेन, जीरो माइनस टू जीरो, फिर उसके बाद से यहाँ पे थर्टी थर्टी माइनस ट्वेल्व टेन, ये हमने लिख लिया। अब हमें यहाँ पे आर टू में इसको चेंज करना है, तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस जो नंबर है उसी सेम नंबर से डिवाइड कर लेंगे, तो माइनस में तो माइनस पॉजिटिव आने के लिए सेम नंबर से डिवाइड कर लेंगे, देखिए माइनस टू से तो वन आ गया जीरो, और थर्टी डिवाइड बाय टू तो आ गया डायरेक्टली फिफ्टीन, और माइनस का साइन है तो माइनस फिफ्टीन, फिर इसके से माइनस टू डिवाइड बाय माइनस ट्वेल्व तो आएगा सिक्स, माइनस टू डिवाइड बाई प्लस टेन तो आएगा माइनस फाइव, फिर उसके बाद से हमें क्या चेंज करना है, उसके बाद से हमें यहाँ पे आई वन चेंज करना है क्योंकि अब हम ये दो एलिमेंट को जीरो बनाना है, तो आई वन चेंज करेंगे डायरेक्टली, पहले हम ये वाला लेंगे टू टाइम्स ऑफ आई थ्री, तो आई वन माइनस टू टाइम्स ऑफ आई थ्री लिए, कैसे होगा देखते हैं, आई वन वैसे कैसे लिख लेना है वन वन टू माइनस टू वन जीरो, और आई थ्री हमें टू टाइम्स करके लिखना है, तो क्या आएगा जीरो जीरो टू, फिर इसके बाद से आएगा डायरेक्टली टेन, फिर इसके बाद से आएगा फोर फोर माइनस फोर यहाँ पे फोर, फिर इसके बाद से इसको क्या करना है माइनस 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 माइनस, यहाँ प्लस है तो सॉरी माइनस है तो प्लस, यहाँ पे ये तो आएगा वन वन, ये हो जाएगा डायरेक्टली जीरो,
110, फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा -12, तो देखिए -12 आ गया। यहाँ पे आएगा +5, तो +5 आएगा -4, तो देखिए यहाँ -4 आ गया। फिर इसके बाद हमें ये चाहिए सिंपली, इसको क्या करना है, I1 माइनस R2, सेम नंबर, यहाँ कोई चेंजेस नहीं करना, डायरेक्टली माइनस कीजिए। 1 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 ही जाएगा। 12 माइनस 15, तो यहाँ पे माइनस का था, तो यहाँ पे -12, यहाँ पर माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस जाएगा, +15, 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टली -6, 5 में से -1 जाएगा तो -1 बचेगा। -4 में से +5 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है, हम लोग इसको लिख लेंगे I into A inverse इज इक्वल्स टू ये वाला मैट्रिक्स। फिर इसके वैसे इसका वैल्यू 1 हो जाए तो ए इनवर्स की वैल्यू यही मैट्रिक्स आ जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन खत्म होता है सॉल्व करके, और इसका अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। देखिए ये आप देख लीजिए अच्छे से, वीडियो पॉज करके और पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर इसको आके देखिए। एक ये भी है, ये भी ट्राई कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे यहाँ तक है, अच्छे से उसका पूरा सलूशन यहाँ है। इसी के साथ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून, हैव अ गुड डे दोस्तों।